पहले आपने जितने भी सर्वे एजेंसियों के आपने एग्जिट पोल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी को मुस्कुराते हुए देख के। आंकड़ों पे, बिल्कुल आंकड़ों पे सवाल है। दिल्ली का आंकड़ा आपके मतलब सामने, ऐसे आंकड़ों पे भी आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। नहीं नहीं, मुझे मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि अनुराग मुस्कान जी 4 जून को सामने आप भी मुस्कुराइएगा। और जो है, जब आप कहते हैं 10 करोड़ का आंकड़ा है कि 10 करोड़ का आपका है, 10 करोड़ लोग तक पहुंचे हैं, 60-70 करोड़ वोट पड़ा होगा मुझे लगता है इस देश में, तो हर 6ठे 7वें वोटर तक आप पहुंच गए हैं। 400-500 वोटरों के सीधे संपर्क में मैं भी हूं, उसमें से मुझे नहीं पता किसी के पास AI पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आपके आंकड़े को प्रणाम है, ईश्वर करे इस आंकड़ों के कारण जिन बिचारों को एग्जिट पोल पर आशंका थी, एग्जिट पोल में जा नहीं रहे थे, आज उनके कंठ खुल गए। उनके कंठ खुलने की आपकी ये जो प्रेरणा है, उसको भी प्रणाम है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए, इसी तरह का माहौल होना चाहिए। अपनी अपनी बात रखने की आजादी सबको है, ये जी न्यूज का मंच है, लेकिन तीखा लड़ाई झगड़ा चीखा चिल्ली वो यहाँ नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनका रुख करना चाहिए। अनुमा पटेल जी का रुख कर लेते हैं। अनुमा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही है? मेरा नाम अनुमा, माफ कीजिएगा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि जी, कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना, आपके ऊपर ही चिल्ला के चले गए दूसरे, और आपको माफी भी अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। अनुमा जी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो बहुत ही वो अपनी जगह ठीक थे, उनको जानकारी नहीं थी, वो ठीक है। आप अपनी बात करिए। कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने सुना, वो कह गए कि वो लोगों के संपर्क में है। आपने उन्हीं इंदौर शहर में लोकतंत्र की हत्या होते देखी होगी, जिस तरह से अक्षय बम को आखिरी दिन उनका पर्चा निकलवा के और उनको BJP में शामिल कर लिया गया, इस हत्या को आपने देखा होगा, लोकतंत्र की हत्या को। तो वो कह रहे हैं कि हम 29 सीटें लाएंगे, इसीलिए मेरा एक सवाल पहले भी था और अभी भी है कि आपके AI पर तो भरोसा है, लेकिन जो